चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। आज बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन अपने कोलाइडल के बारे में, ठीक है। कोलाइडी विलयन असल में होता क्या है? अभी तक बच्चों जो सरफेस केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा ना, उसमें आप लोगों ने क्या करा था, अभी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था, है ना, परिभाषाओं के बारे में पढ़ा, अवशोषण अधिशोषण एंजाइम उत्प्रेरक चीज़ें क्या क्या होती हैं। अब अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों सरफेस केमिस्ट्री में, हम लोग चालू कर रहे हैं कोलाइडी विलयन के बारे में, असल में कोलाइडी विलयन होते क्या है, है ना। मैंने आपको बच्चों ये चीज़ समझाई थी पहले भी, अपन वापस से समझ के चलते हैं। जब अपन क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिएगा डायग्राम, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे एक विलयन की, तीन गिलास ले लिया आपने, एग्जांपल अपन ने बताया था पहले भी, वापस से बता देती हूँ मैं, तीन एग्जांपल लिए जिसके अंदर आपने क्या करा, एक गिलास से ए सिस्टम ए और ये बी अपन यहाँ पे ले लेते हैं, रुको, ए और बी अपन दोनों ने दो चीज़ें बना दी, दो सिस्टम बना दिए जिसके अंदर आपने क्या बताया कि ये एक बीकर है जिसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब बीकर में पानी भरे रहने के बाद अपन देखेंगे बच्चों यहाँ पे, जैसे ही आपने इसमें नमक डाला, नमक डाल रहे हो इसके अंदर, नमक डाला आपने यहाँ पे, ये देखिए नमक के कण डाल दिए। जब आप इसको घोलोगे बच्चों कुछ समय पश्चात क्या होगा, नमक के कण गायब हो जाएंगे, दिखेंगे आपको नहीं दिखाई देंगे। कुछ समय पश्चात जब अपन देखेंगे इसको, नमक आपने डाला था, नमक डालने के बाद जब उसको घोला तो घोलने के बाद नमक के विलयन, नमक के कण दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। यही चीज़ अपन यहाँ पे करते हैं, जब अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, इसमें मिट्टी डाली आपने, ठीक है, मिट्टी के कण आए इसमें, कुछ समय पश्चात आप देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, मिट्टी के कण यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ से तो गायब हो चुके होंगे लेकिन नीचे बैठे हुए होंगे, जमे हुए होंगे, तो क्या कहलाता है बच्चों, जहाँ पर आप कहोगे कि आपका विलय जब विलायक में पूरा घुल जाता है, पूर्ण रूप से घुल जाता है और आपको दिखाई नहीं देता, तब आप उसको क्या कहते हो बच्चों, वास्तविक विलयन। अपन यहाँ पे कह रहे हैं जब अपना विलय विलायक में घुल जाएगा तो हम ऐसे विलयन को क्या कहेंगे बच्चों, वास्तविक विलयन कहेंगे, ठीक है। अब ऐसा विलयन जिसमें विलायक विलय विलायक में नहीं घुलता, नीचे जमा हो जाता है, उसको अपन हिंदी में कहते हैं बच्चों निलंबन, निलंबन कहेंगे। ऐसा विलयन जिसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, विलय के कण विलायक में घुल नहीं पा रहे, अपन क्या कहते हैं विलयन कब बनता है, जब विलय और विलायक आपस में मिलते हैं तो विलयन बनता है। यहाँ पे अपन ने क्या कहा, विलयन जो है ये वाला विलयन वास्तविक विलयन होगा जिसमें विलय विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाएगा। यहाँ पे हमने कहा कि विलय जब विलायक में पूर्ण रूप से नहीं घुलता, विलय के कण क्या होते हैं, नीचे जाके जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऐसे विलयन को हम निलंबन कहते हैं। जैसे मिट्टी का विलयन, मिट्टी और पानी वाला विलयन, जिसमें पानी में मिट्टी कितनी भी घोल लो आप तो भी नीचे ही बैठेगी वो, कुछ देर तक तो लगेगा घुल रही है लेकिन कुछ समय पश्चात नीचे बैठ जाएगी, तो ऐसे विलयन को हम लोग निलंबन कहते हैं। अब बच्चों इसके बीच की अवस्था आती है जिसको अपन क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं, जिसमें कण जो है ये पानी भरा हुआ है बच्चों। अब ये जो कण दिखेंगे आपको, ये जो कण दिखेंगे ना बच्चों, ये इसमें तैर रहे हैं, पानी है, पानी सफ़ेद सफ़ेद है, और ये जो ब्लू कलर का अपन ने बताया बच्चों, ये ब्लू कलर का आपका क्या है, विलय के कण है जो ना तो पूरे घुल के गायब हुए, कितना ही घुलने की कोशिश कर लो तो भी ये घुलेंगे नहीं, ना ही गायब होंगे ना ही नीचे बैठेंगे, ऐसे विलयन को अपन क्या कहते हैं बच्चों, कोलाइडी विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन को कोलाइडी विलयन कहा जाता है जिसमें विलय के कण विलायक में ना तो पूर्ण रूप से घुलते हैं ना ही नीचे जमा हो जाते हैं, जबकि उसी में उपस्थित रहते हैं, या हम कह सकते हैं विलय के कण विलायक में तैरते रहते हैं और इस प्रकार उपस्थित होते हैं कि उसकी जो अपन कहेंगे विलयन को किस प्रकार का बताते हैं, वो विलयन को अपारदर्शी बना देते हैं, मतलब उसके आर पार आप देखना चाहो तो भी आप उसमें नहीं देख सकते। ये वाले कण बच्चों क्या कहलाते हैं, ये वास्तविक विलयन हो गया, ये कोलाइडी विलयन हो गया और ये निलंबन हो गया। इतना समझ में आ गया, ये पॉइंट क्लियर है सभी को। अब अपन बच्चों इसके अंदर बताते हैं जिस प्रकार से अपन क्या कहते थे विलयन के लिए बात करते थे बच्चों, विलयन में क्या होता था, विलय प्लस विलायक, ठीक उसी प्रकार कोलाइडी विलयन की जब अपन बात करते हैं, अपन जो पढ़ेंगे ना बच्चों, अपन सिर्फ कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ेंगे, पृष्ठ रसायन में हम लोगों को जो स्टडी करना है वो कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ रहा है, निलंबन और वास्तविक विलयन के बारे में नहीं पढ़ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इन तीनों के अंदर अंतर समझते हुए चलते हैं ताकि हमें कोलाइडी विलयन और भी अच्छे से समझ में आ जाए, बात समझ में आई। पर उसको समझने से पहले हम देख लेते हैं कि कोलाइडी विलयन असल में बनता कैसे। हमने देखा विलयन बनता है विलय प्लस विलायक से, ठीक इसी प्रकार जब कोलाइडी विलयन बनता है बच्चों तो वो बनता है, लिख लीजिएगा, कोलाइडी विलयन की बात की जाती है तो वो आपको मिलेगा परिक्षिप्त अवस्था
प्लस परिक्षेपण माध्यम के मिलने से। बच्चों हमने यहाँ पे कहा था विलयन बनता है विलेय प्लस विलायक के मिलने से, है ना। ये विलेय और ये वाला बच्चों लिखा हुआ है यहाँ मैंने विलायक लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार जब हम कोलाइडी विलयन की बात करते हैं तो कोलाइडी विलयन में भी दो चीज़ें होती हैं, एक होती है परिक्षिप्त अवस्था और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम जिसमें ये अवस्था घुल जाएगी, बात समझ में आई। अब ये अवस्था जो है बच्चों अलग अलग हो सकती है, ठोस में ठोस भी हो सकती है, ठोस में द्रव भी हो सकती है, द्रव में गैस भी हो सकती है, ये अलग अलग होंगी, हम इसका वर्गीकरण अलग प्रकार से देख लेंगे। बात समझ में आई मेरी, ये चीज़ क्लियर है सभी को। अपन ने क्या बोला विलयन में जैसे विलेय प्लस विलायक होगा, ठीक उसी प्रकार कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम होगा। अभी आपको अभी समझ में नहीं आ रहा बच्चों, अपन इसको और एग्जांपल से समझेंगे कि परिक्षिप्त अवस्था कैसे परिक्षेपण माध्यम में मिक्स होती है और आपको कोलाइडी विलयन देती है। बात क्लियर है। जैसे अपन कहते हैं ना गोंद के पार्टिकल, गोंद के कण पानी में मिक्स करके गोंद बनाया जाता है, आटे के कण पानी में मिक्स करके घर वाला गोंद बना लेते हैं अपन, जिसको कहते हैं आटे का पेस्ट कहो या घर का गोंद कहो। तो परिक्षिप्त अवस्था यहाँ पे क्या हुई, आटे के कण, आटे के कण बच्चों, जो आपने आटा जो था पाउडर फॉर्म में था आपके पास, पाउडर ही तो था घर का आटा, उसको आपने पानी में मिला दिया, तो आटे के कण परिक्षिप्त अवस्था और यहाँ पे पानी जो है वो आपका परिक्षेपण माध्यम हो गया, जिसमें आटे के कण जाके घुल जाएंगे। बात क्लियर है, इतनी समझ में आ गई सभी को। ठीक है अब अपन चलते हैं, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम को समझ लिया हमने। अब अपन चलते हैं बच्चों इन तीनों के बीच में अंतर, कि वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में मेन अंतर क्या होता है, वो बच्चों मेरे साथ अभी नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं। अभी तक अपन ने कोलाइडल क्या था वो समझ लिया, अब अपन समझ रहे हैं वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन तथा निलंबन में क्या अंतर होगा। ठीक है, तो अपन ने देखा वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन की एक टेबल बना दी बच्चों अपन ने। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा इसको अच्छे से, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तीनों के बारे में। तो वास्तविक विलयन क्या होता है बच्चों, समांगी प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण होता है। अगर आप इसको लिखोगे ना बच्चों तो आप यहाँ पे बताओगे ये क्या है बच्चों, समांगी मिश्रण है। इसका मतलब विलेय विलायक में पूर्ण रूप से घुल चुका है, ऐसे विलयन को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। अगर विलेय विलायक में नहीं घुलता तो हम उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है वास्तविक विलयन बच्चों वो है समांगी मिश्रण, कोलाइडी विलयन जो है बच्चों वो है विषमांगी मिश्रण, मतलब दोनों आपस में नहीं घुलते। आपने देखा है पूरी तरह से पार्टिकल घुलते नहीं, उसके कण नहीं घुलते, तभी तो क्या होता है वो हमें धुंधला सा दिखाई देता है, हमको पूरी तरह से साफ और स्वच्छ विलयन नहीं दिखता। ठीक है, तीसरा वाला भी अपना निलंबन भी विषमांगी है, जैसे मिट्टी वाला पानी के साथ, मिट्टी को पानी में घोलो वही वाला निलंबन हो गया। और ये इस प्रकार के जो विलयन होते हैं बच्चों वो विषमांगी होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है दोनों आपस में सही से नहीं घुले, वो नीचे बैठ गया। उसके बाद अपन कहते हैं इसके जो कण होंगे बच्चों, वास्तविक विलयन में जो कण उपस्थित होते हैं, मतलब आप कह सकते हो विलेय के कण, कण का मतलब क्या हुआ बच्चों, विलेय के कण। तो विलेय के कण जो इसमें घुलेंगे वो कण क्या हो सकते हैं, या तो आयन हो सकते हैं या अणु हो सकता है, जैसे NaCl का अणु या आयन NaAyn ClAyn जो पानी में घुलता है। बात समझ में आई, जो भी चीज़ पानी में घुलेगी बच्चों, पानी में बोल सकते हैं या किसी भी चीज़ में घुलते हैं, विलायक में विलेय के कण घुलेंगे, तो विलेय के कण बच्चों इसके अंदर वास्तविक विलयन में अधिकतर क्या होंगे, आयन होंगे या अणु होगा। जैसे कैल्शियम का क्लोराइड, वो भी एक प्रकार का अणु है जो पानी में घुल जाता है, वास्तविक विलयन बनाएगा। ठीक है, सोडियम का क्लोराइड हुआ, कैल्शियम का क्लोराइड हुआ, मैग्नीशियम का क्लोराइड हुआ, या कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम का सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम का क्लोराइड, जितने भी बच्चों आयन है या अणु है, ये अणु जब क्या करते हैं विलायक में घुलते हैं तब जाके वास्तविक विलयन को दे देते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट घुल जाते हैं ना, पूरा घुल जाते हैं, कहीं भी दिखाई नहीं देता, पूरे गायब हो जाते हैं ये। बात समझ में आ गई। इसमें अपन कहते हैं कि ये जो कोलाइडी विलयन होता है ना बच्चों, ये एक बड़ा अणु होता है, वृहद अणु का मतलब एक बड़ा सा अणु, वो बड़ा अणु होगा या फिर अणु और परमाणुओं का समूह होगा। मेरी बात समझ में आई। जब कोलाइडी विलयन की बच्चों बात करोगे तो आप कहोगे, जैसे अपन एक तो बात करते हैं क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल और एक हो गई फुटबॉल, फुटबॉल आपका क्या हुआ बच्चों, वृहद अणु, एक बड़ा अणु। नहीं तो मैं क्या बोलूँ, या तो आप फुटबॉल ले लो एक बड़ी बॉल ले लो, या आप क्या करो ये जो टेनिस बॉल है इसको चिपका चिपका के एक बड़ी बॉल बना लो। हम क्या कर सकते हैं, या तो फुटबॉल ले लें एक बड़ी बॉल, हमें बड़ी बॉल चाहिए भाई, फुटबॉल अगर अपने पास है तो अपन ने वो ले ली काम में, और अगर नहीं है आपके पास टेनिस बॉल बहुत सारी बड़ी है तो क्या करोगे, छोटी छोटी टेनिस बॉल को जोड़ जोड़ के बड़ा अणु बना दोगे, बड़ा अणु मिलेगा आपको वहाँ पे, वही चीज़ क्या हो गई, या तो बृहद अणु होगा
या एक ही फुटबॉल होगी, एक ही अणु होगा, नहीं तो क्या होगा बच्चों, अणुओं और परमाणुओं का समूह होगा। जैसे मैंने बोला टेनिस बॉल को चिपका के बड़ी बॉल बना लो, तो वो अणु और परमाणुओं का क्या हो गया, समूह हो गया। बात समझ में आ गई, समूह लेकिन आपस में जुड़ा हुआ समूह बोल सकते हो। यहाँ पे आपने लिखा ना, तो आप लिख सकते हो इसको जुड़ा हुआ समूह, अणु और परमाणुओं का जुड़ा हुआ समूह, जिसमें अणु परमाणु आपस में जुड़े हुए होंगे, आपस में चिपके हुए होंगे। बात समझ में आ गई, ये क्लियर है? ठीक है, थर्ड वाले पे अपन कहते हैं अणु और परमाणुओं का समूह है, मतलब कोई भी बड़ा अणु नहीं होगा, छोटे या छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ होगा। बात क्लियर है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बोलते हैं कण का आकार, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कण का आकार किस प्रकार का होना चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वास्तविक विलयन में कण का प्रकार निम्न में से कौन सा है, तो आपको पहचानना है। तो बच्चों देखना, अपन ने बोला वास्तविक विलयन जिसके कण बहुत बारीक हैं, जो आसानी से घुल चुका है, ठीक है, दिखाई भी नहीं दे रहा आपको घुलने के बाद, तो अपन कहेंगे इसके कण का आकार 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर कितना होता है? नैनोमीटर मतलब ये मानो बच्चों बहुत कम होता है, 10^-9, उसको अपन नैनोमीटर से बताते हैं। ठीक है, मीटर में नैनोमीटर मतलब सबसे छोटा, इतना कम, तो आप देख लो 10^-9 मतलब कितना नीचे चला गया, वो एक से भी कितना कम हो चुका है। अपन कहते कोई वस्तु एक उसकी है, मीटर की है, एक मीटर का नैनोमीटर मतलब छोटा बता दिया अपन ने, तो 10^-9 इतना कम बता दिया, तो आप खुद सोच सकते हो कितना छोटा पार्टिकल होगा। बात समझ में आ गई। अपन ने बोला इसको 0.1 से 1 नैनोमीटर तक इसके कण का आकार होता है सबसे छोटा। अब ये जो सीरीज चलेगी ना, लाइन चलेगी बच्चों, एक के पीछे एक चलेगी, वो ध्यान रखना। 0.1 से 1 हो गया इसका वास्तविक का। कोलाइडी विलयन हमने बताया 1 नैनोमीटर से 10^3 नैनोमीटर, मतलब 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक, 1 से लेकर 100 क्या, 1000 है ना, 1, 2, 3, ठीक है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक हो गया, 10^3 बताई तो क्या हो गए, 1000 हो गए ना बच्चों। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक वाले पार्टिकल साइज अगर होगा, आपके कणों का आकार होगा, तो वो आपके कोलाइडी विलयन होंगे। अगर 10^3 नैनोमीटर से ज़्यादा का साइज होता है, जैसे अपन 1000 से 10000, 1 लाख 10 लाख तक इसका आकार हो जाए, कणों का आकार, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, वो निलंबन वाले हो गए। मिट्टी के कण, नमक के कण कैसे होते हैं, घुल जाते हैं फटाफट, बारीक कण होते हैं तो वो दिखाई नहीं देते, कोलाइडी में दिखाई तो देते हैं लेकिन अपन इसके आकार को समझ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि तैर रहे हैं, इतने हल्के हैं कि तैर रहे हैं, बैठ भी नहीं रहे नीचे ना, घूम मतलब घुल रहे हैं, इतने हल्के उनका आकार, मतलब आप कहोगे साइज छोटा है तो आकार भी छोटा है, तो इनका जो अपन कहेंगे वेट है या भार है, इतना हल्का है कि नीचे बैठ ही नहीं पा रहा, विलयन में वैसे ही उपस्थित है वो। बात समझ पाए मेरी? तो इसका आकार अपन ने बता दिया, ये बच्चों ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं अधिकतर, कोलाइडी विलयन का आकार निम्न में से कौन सा होता है, तो अपन कोलाइडी पढ़ रहे हैं, ये तो अपन अंतर समझने के लिए पढ़ रहे हैं दोनों को, मेन अपना कोलाइडी है, जिसके ऊपर सारी आपकी जितने भी अपन कहेंगे प्रक्रियाएँ हैं या विशेषताएँ हैं या जो भी अपन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी गुणधर्म पढ़ेंगे वो सब कोलाइडी के ऊपर पढ़ेंगे, कोलाइडी विलयन पे पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, 1 नैनोमीटर से 10^3 या 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होते हैं वो बच्चों आप याद कर लेना, 1 से 1000 नैनोमीटर होंगे, 1000 से ज़्यादा होंगे तो निलंबन, और 1 से कम होंगे तो वास्तविक वाले, है ना, 1 से कम वास्तविक, 1 से 1000 के बीच में कोलाइडी आ गए, और 1000 के ऊपर जाते हैं तो वो निलंबन वाले विलयन हो जाते हैं। ठीक है, ये रेंज अपन आपस में जोड़ सकते हैं इसको। उसके बाद अपन ने बताया कण जमते नहीं हैं, इसका मतलब विलय के कण जो होंगे बच्चों वो जब घुल चुके हैं तो नीचे तो बैठेंगे ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता बैठने का। नमक को पानी में आपने घोला तो आप क्या इंतजार करोगे कि नमक पानी में बैठ सकता है क्या? नहीं बैठेगा, पानी में घुल गया, वास्तविक विलयन बना दिया, तो इसके कण कभी भी पानी में जमेंगे नहीं, जमने का मतलब नीचे बैठ जाना, तो इसके कण कभी भी जमेंगे नहीं मतलब नीचे बैठेंगे नहीं। ठीक है, कोई भी पात्र आपने लिया उस पात्र में नीचे नहीं जमेंगे। कोलाइडी के विलयन जमते हैं क्या? वो भी नहीं जमते, क्योंकि वो विलयन में उपस्थित हैं, वो तैर रहे हैं तो वो बैठेंगे ही नहीं नीचे, क्योंकि भारी नहीं है इतने। उसके बाद अपन बात करते हैं तो अपन बोलेंगे निलंबन में क्या होते हैं, जम जाते हैं। ठीक है, ये निलंबन में जो कण होंगे बच्चों वो क्या होंगे, जम जाएंगे नीचे, जैसे मिट्टी पानी में नीचे जम जाती है मतलब बैठ जाती है। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले पे, फिल्टर पत्र से आसानी से निकल जाते हैं। बच्चों फिल्टर पत्र का मतलब क्या होता है, जैसे आपने घरों में देखा है चाय छानने के लिए हम लोग चाय की छन्नी काम में लेते हैं। चाय की छन्नी कैसी होती है, आप कहोगे इसको सेमी परमिएबल अर्ध पारगम्य होती है, मतलब क्या करेगी, चाय को तो ऊपर रख लेगी लेकिन पानी पानी को नीचे से जाने देगी, चाय जो बन चुकी है आपकी वो तो छन जाएगी लेकिन चाय पत्ती ऊपर रह जाएगी, तो वो क्या हुई, एक तरह से अर्ध पारगम्य हुई। अर्ध पारगम्य मतलब कुछ अणुओं को जाने देती है और कुछ को रोक लेती है। ठीक है, उसके अंदर छिद्र उपस्थित होते हैं, जो छिद्र क्या करते हैं,
उन कणों को निकलने देते हैं जो कि क्या होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, और जो मोटे होते हैं उसमें रह जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो फिल्टर पत्र भी एक प्रकार का ऐसा ही पेपर है, आपने प्रैक्टिकल में काम में लिया होगा या देखा होगा बच्चों, नहीं भी देखा हो तो भी कभी लैब में आपको देखने का मौका मिले या मुझे पता चला तो मैं बता दूंगी आपको। फिल्टर पत्र एक पेपर होता है, नॉर्मल पेपर से थोड़ा अलग होता है बच्चों, थोड़ा सा मोटा होता है, उसको हम अधिकतर छानने के काम में लेते हैं। लैब में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना केमिस्ट्री में, अलग अलग तरह के अवक्षेप बनते हैं। मैंने बताया था सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बना था अपना, है ना, कैटलिस्ट वाले में, उत्प्रेरक में। तो जो अवक्षेप बना उसको छानते हैं हम फिल्टर पेपर से लैब के अंदर, फिर उसको अलग से निकालते हैं भाई कितना बना, है ना। तो फिल्टर पत्र काम में लेते हैं, जो पानी को तो जाने देता है और जो बना है अवक्षेप उसके कणों को रोक लेता है, क्योंकि वो बड़े बड़े हैं जो हमें आंखों से दिखाई दे रहे हैं कण। बात समझ में आई, जैसे मिट्टी जम जाती है वैसे वो अवक्षेप जम गया। ठीक है, अब अपन ने कहा ये फिल्टर पत्र से आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि जब विलयन में पूरा घुल चुके हैं, ठीक है, विलायक में पूरा घुल के विलयन बना लिया इन्होंने, तो नमक के पानी को आप छलनी से छान के देखो, घर पे ही छान के देखना, क्या नमक अलग हो जाएगा पानी अलग होगा? नहीं होगा ऐसा, क्योंकि खुद इतना घुल चुके हैं, इतने बारीक कण हैं कि उसमें से आराम से निकल जाएंगे और फटाफट बह जाएंगे। छन्नी में से अगर आप नमक का पानी छानोगे ना बच्चों, तो नमक का पानी आराम से निकल जाएगा, बचेगा ही नहीं, फटाफट बह जाएगा तुरंत। तो ये क्या होता है, फिल्टर पत्र से आसानी से और तुरंत चले जाते हैं, है ना। लेकिन अगर अपन ये वाला बच्चों लेते हैं, कोलाइडी विलयन लेते हैं, तो धीरे धीरे निकलता है। आप आटे को पानी में घोल के क्या करो, आटे का विलयन बना लो और उसको छलनी से छानने की कोशिश करना, छनेगा ही नहीं। छनेगा भी तो धीरे 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 करके छनेगा, क्योंकि अणुओं का आकार जो है बच्चों पहले वाले के मुकाबले ज़्यादा बड़ा है। अगर आप छानने की कोशिश भी करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको छानने में, धीरे 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 करके छनता रहेगा, टाइम लगता रहेगा उसके अंदर। बात समझ भाई। लेकिन अगर अपन निलंबर वालों को करेंगे छानेंगे तो वो नहीं निकलेंगे। अपन ने कहा फिल्टर पत्र पे आसानी से निकल जाते हैं, ये धीरे धीरे करके निकलेंगे कोलाइडी विलयन, और अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो ये नहीं निकलते हैं। मिट्टी को छलनी से छानोगे तो मिट्टी मिट्टी ऊपर रह जाएगी, पानी पानी लग हो जाएगा। तो निलंबर वाले कण जो है, जो आकार में बड़े हैं, जो हमको आंखों से दिखाई दे रहे हैं, वो क्या होंगे बच्चों, नहीं निकलेंगे फिल्टर पत्र से, वो फिल्टर पत्र के ऊपर जमा हो जाएंगे और पानी पानी वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, मतलब आपका विलायक जो है वो अलग हो जाए, वो चुका होगा। बात समझ में आ गई। उसके बाद अपन कहते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देते। एक तो बच्चों होता है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप देखा है, साधारण सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं अपन माइक्रोस्कोप को हिंदी में बच्चों, सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है, मैंने माइक्रोस्कोप लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अपन कहते हैं माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी जो होता है ना बच्चों, छोटी से छोटी चीज़ को भी बड़े आकार में दिखाता है हमें, जो हमें अपनी खुली आंखों से नहीं दिखेगी आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। साधारण वाला जो होता है, साधारण का 10 गुना प्रभावशाली अल्ट्रा या सुपर माइक्रोस्कोप कहा जाता है बच्चों। अल्ट्रा नाम से ही समझ में आ रहा है कि मतलब उससे 10 गुना ज़्यादा प्रभावी होगा। जो चीज़ आपको नॉर्मल माइक्रोस्कोप में दिखाई दे रही है वो आपको 10 गुना बड़ी दिखाई देगी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो अपन कहेंगे साधारण माइक्रोस्कोप से जो नहीं दिखता वो आपको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में दिख जाएगा। लेकिन वास्तविक विलयन के कण इतने ज़्यादा बारीक या इतना घुल चुके होते हैं उसमें कि अगर अपन कहें नमक के पानी में नमक के कणों को आपको देखना हो तो आप क्या करोगे, आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप भी लगा दोगे तो भी वो आपको दिखेगा नहीं, तो भी कण उसके नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उसमें घुल चुके हैं बच्चों, मिक्स हो चुके, घुल चुके हैं। नमक का विलयन आपको दे दिया तो आपको कण दिखेंगे ही नहीं कहीं पे, विलय के कण हमको कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अपन बात करते हैं बच्चों कोलाइडी विलयन की, तो साधारण माइक्रोस्कोप से तो नहीं दिखते क्योंकि बारीक है ना, छोटे हैं, तो साधारण वाले से नहीं दिखेंगे, लेकिन अल्ट्रा वाले से आपको दिख जाएंगे। अल्ट्रा वाला उससे ज़्यादा स्ट्रांग है ना, ज़्यादा अच्छा मजबूत है, ठीक है, काम का है, तो आपको आराम से दिखेगा उसके अंदर। अपने कहा ना साधारण वाला क्या करता है, साधारण से 10 गुना प्रभावशाली है अल्ट्रा वाला, तो अल्ट्रा वाला में अपन को दिख जाएंगे बच्चों इसके कण, लेकिन साधारण वाले में नहीं दिखा देंगे। और अपन बात करते हैं निलंबन की, तो अपन उसको आसानी से देख सकते हैं, जैसे मिट्टी के कण तो अपनों को अपनी आंखों से ही दिखाई दे जाएंगे, तो कोई माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं होगी। तो बच्चों समझ में आ गया आपको अंतर इन तीनों के बीच में, एक तो अपन ने बताया वास्तविक, एक कोलाइडी, एक निलंबन। वास्तविक में हमने कह दिया समांगी मिश्रण है, ये दोनों विषमांगी हैं। उसके बाद हमने कहा कि भाई इसके जो अणु होते हैं वो असल में आयन होते हैं, ठीक है, बड़े अणु होते हैं या आयन होते हैं। इसमें हमने कहा कोलाइडी में एक बड़ा सा ही अणु होगा आपके पास, या छोटे छोटे अणु मिलके बड़े अणु को बना देंगे, ठीक है, इस प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें हमने कहा कि अणु और परमाणुओं का समूह होगा, इकट्ठा हुए हुए होंगे, कोई बड़ा अणु एक ही नहीं होगा, वो कोलाइडी में आपको स्पेशल मिलेगा, एक बड़ा अणु भी मिल सकता है आपको, ठीक है। इसका आकार अपन और इसके बारे में बृहद अणु के बारे में और भी विस्तार से पढ़ेंगे, है ना, आगे चल के। अब यहाँ पे कण का आकार आ गया 0.1 से 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, 1000 से ज़्यादा वाले निलंबन में आ जाएंगे। फिर अपने कहा ये कण नीचे नहीं बैठते, ये भी नहीं बैठते, लेकिन ये वाले बैठ जाते हैं।
फिर हमने कहा कि फिल्टर पत्र से आसानी से छन जाते हैं, ये वाले धीरे धीरे छनते हैं और ये वाले छनते ही नहीं है। फिर अपन ने लास्ट वाला कहा कि माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देता, पावर वाले माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, ये वाला साधारण तो नहीं लेकिन पावर वाले से दिख जाएगा और ये वाला अपन को आंखों से ही दिखाई देता है। अंतर समझ में आ गया बच्चों सभी को? तो कोलाइडी विलयन और भी अच्छे समझ में आ गया, क्लियर है? अब रब कर देते हैं इसको अपन, ठीक है। आगे चलते हैं अपन इसके टाइप पर कि कोलाइडी विलयन का टाइप किस प्रकार का होगा। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, अभी तक अपन ने कोलाइडल विलयन देख लिया, अंतर देख लिया उनके बीच में कि तीनों विलयन के बीच में क्या क्या अंतर होते हैं बच्चों। अब अपन चल रहे हैं अपने कोलाइडल विलयन के प्रकार पे, है ना। कोलाइडी विलयन जो है आपका, उसका प्रकार अपन देख रहे हैं किसके बेसिस पे देखना बच्चों, किसके आधार पर, आपकी परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम कैसा है उनके आधार पर अपन कोलाइडी विलयन के प्रकार देख लेते हैं। कितने तरह के कोलाइडी आपके पास होते हैं, या कोलाइडी तो अपन बोल सकते हैं विलयन या कोलाइडी सिस्टम। आप कहोगे कोलाइडी सिस्टम जो है वो कितने प्रकार का आपके पास हो सकता है, वो अपन देखेंगे किसके ऊपर, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना आप लोग, मैंने यहाँ पे देखो परिक्षिप्त अवस्था कौन कौन सी लिख दी बच्चों, ये कौन सी अवस्था आपकी, विलय से जुड़ती हुई, मतलब विलय हो गया ना बच्चों एक तरह का, और परिक्षेपण माध्यम आपका क्या हो गया बच्चों, विलायक हो गया। जो कोलाइडी विलयन या कोलाइडी सिस्टम आपको देगा तो कैसा देगा बच्चों, विलयन देगा, विलय विलायक मिलके विलयन मिलेंगे। तो सेम वही परिक्षिप्त अवस्था विलय, परिक्षेपण माध्यम विलायक हो गया अपना, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे नोटिस करोगे तो ठोस के अपन ने लिख दिया तीन से, द्रव के भी तीन लिखे लेकिन गैस के दो ही लिखे अपन ने। आप लोग बताओ अपन ने गैस के दो ही क्यों लिखे, गैस के तीन क्यों नहीं लिखे? गैस के हम लोगों ने ठोस का ठोस से, ठोस का द्रव से, ठोस का गैस से बताया, गैस का गैस से हमने बताया नहीं बच्चों। क्यों नहीं बताया, कोई आंसर दे सकता है इसका? बता सकते हो क्यों नहीं बताया? गैस गैस से नहीं जुड़ेगी। असल में होता क्या है बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ रहे हैं। कोलाइडी विलयन क्या है आपका, समांगी मिश्रण है कि विषमांगी है? कोलाइडी विलयन आपका विषमांगी मिश्रण है। लेकिन जब आप बच्चों गैस का विलयन देखते हो ना, गैस का गैस में मिक्स, तो पता होना चाहिए गैस क्या होता है, गैस के अणु दूर दूर है, एक गैस दूसरी गैस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। अगर अपन कहेंगे गैस के अणु, इसको समझो अच्छे से, मान लो ये रूम है, इस रूम में मैं दो या तीन तरह के डीओ ले आई, परफ्यूम डीओ हम काम में लेते हैं, ठीक है बच्चों। एक को स्प्रे किया इस साइड से, एक को किया दूसरे कोने से, कुछ समय बाद आप देखोगे दोनों की जो फ्रेग्रेंस होगी बच्चों मिक्स होके तीसरी नई फ्रेग्रेंस आपको समझ में आएगी। बात समझ में आई? एक रूम में आप एक अलग तरह का फ्रेशनर यूज़ करते हो, रूम फ्रेशनर भी हम काम में लेते हैं। रूम के अंदर अपन क्या करते हैं, एयर को क्लीन करने के लिए रूम फ्रेशनर बच्चों काम में लेते हैं। एक हो सकता है अलग उसका हो, अलग फ्रेगरेंस का हो, दूसरा अलग फ्रेगरेंस का हो, एक रोज़ का हो, एक सैंडल आता है चंदन की खुशबू वाला, एक गुलाब की खुशबू वाला हो। दोनों को आप अलग अलग कोने से बच्चों स्प्रे करोगे तो कुछ समय पश्चात 5 मिनट में ही आप देखोगे कि दोनों की एक जो खुशबू है वो मिक्स हो गई। कैसे मिक्स हो गई? क्योंकि गैस के अणु दूर दूर होते हैं, आपने इस कोने से छिड़का, दूसरे कोने से दूसरे वाले को छिड़का, पर दोनों फटाफट मिल जाएंगे 2 मिनट में। क्यों मिल जाएंगे बच्चों? क्योंकि क्या होता है, इसके गैस के कण दूर दूर होते हैं, उनकी प्रवृत्ति ये होती है कि एक जगह से दूसरी जगह वो फटाफट पहुंच जाते हैं, कोई आकर्षण बल काम नहीं करता गैसों में, हाँ कि नहीं? तो गैस के अणु फटाफट जाएंगे, एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होके क्या बना देंगे बच्चों, समांगी मिश्रण बना देंगे। बात समझ में आई? समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें एक अवस्था दूसरे में पूरी पूरी घुल जाए। जब एक गैस दूसरे में पूरी पूरी घुल जाती है तो किसी भी तरह से विषमांगी मिश्रण नहीं बताती, वो समांगी मिश्रण बनाती है। और जब समांगी मिश्रण बढ़ता है तो वो कोलाइडी विलयन हो ही नहीं सकता। आप ध्यान रखना बच्चों, कोलाइडी सिस्टम जो आपका होगा, कोलाइडल सिस्टम होगा बच्चों, वो सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर विषमांगी मिश्रण बनेगा आपका, कभी भी समांगी मिश्रण नहीं बनेगा। इसलिए जब हम पढ़ते हैं इनकी अवस्थाओं के बारे में तो अपन सिर्फ 8 प्रकार की देखते हैं, 90 प्रकार की पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि गैस गैस आपस में मिक्स होकर समांगी मिश्रण बनाती है, जबकि हमको पढ़ना है विषमांगी मिश्रण कोलाइडी के बारे में। बात समझ में आ गई बच्चों? इसीलिए हमने गैस और गैस को नहीं लिखा है यहाँ पे, क्लियर है? अब अपन आगे चलते हैं अपने इसके सिस्टम के प्रकार के बारे में। अब देखो बच्चों यहाँ पे परिक्षिप्त अवस्था विलय है, ठीक है। विलय आपका ठोस है, ठोस में ठोस को मिलाओगे, ठीक है। अपन क्या कहते हैं, विलय को विलायक में मिलाया गया, तो विलय मतलब अपन बता सकते हैं इसको कम मात्रा होगी इसकी, जो ज़्यादा मात्रा में घुल रही है, जैसे नमक क्या हुआ 2 चम्मच, लेकिन पानी तो 1 गिलास है। बात समझ में आई मेरी? विलेयक होगा कम, विलेय होगा कम, विलायक होगा आपका ज़्यादा, ठीक है। ठोस को ठोस में मिक्स किया, ठोस को ठोस में मिलाया तो आपको मिला ठोस का सोल। सोल का मतलब बच्चों क्या होता है, कोलाइडी विलयन।
कोलाइडी विलियन को शॉर्ट में हम लोग सोल कहते हैं। सोल नाम से समझोगे तो मतलब समझो कोलाइडी विलियन, है ना। इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं ना, कोलाइडी सॉल्यूशन को शॉर्ट में कह देते हैं सोल। सोल हमेशा जब भी शब्द काम में आएगा तो आपको याद रखना है कोलाइडी विलियन की बात हो रही है। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बच्चों इसके ऊपर तो कन्फ्यूज हो जाते हैं सोल मतलब क्या। सोल मतलब आपका कोलाइडी विलियन, है ना, ठीक है। इससे कन्फ्यूज मत होना। तो ठोस और ठोस आपस में मिले तो ठोस का कोलाइडी विलियन बना, क्योंकि ठोस को ठोस में मिक्स मिलाओगे तो ठोस ही बनेगा, ठीक है। ठोस आपका हुआ बच्चों रूबी कांच। रूबी कांच क्या कांच होता है, अपने घरों में बच्चों डेकोरेटिव आइटम देखें, ग्लास के कांच के डेकोरेटिव पीस बने हुए होते हैं। अलग अलग शो पीस देखते हैं अपन मार्केट में, अलग प्रकार का कोई गमला बना हुआ है, पॉट बना हुआ है बच्चों, कोई मूर्ति बनी हुई है ग्लास की, अपन देखते हैं घरों में सजाने के लिए रखी जाती है। तो जो कांच के सामान, कांच के आइटम जो बने हुए होते हैं बच्चों घर में सजाने के काम में आते हैं, वो असल में रूबी ग्लास या रूबी कांच के बने हुए होते हैं। कांच के भी अलग अलग प्रकार होते हैं बच्चों, उसमें से एक प्रकार रूबी कांच है जो कि ठोस को ठोस में मिक्स करने के बाद बनता है। एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको, दूसरे वाले पे चलते हैं। जब आप ठोस को द्रव में मिला रहे हो, मतलब द्रव आपका ज़्यादा है ठोस आपका कम है, ठोस को द्रव में मिलाते हो तो बच्चों यहाँ पे वही कोलाइडी विलियन बनता है आपका, सोल बनता है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों, पेंट। पेंट बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है, विलियन, विलायक जो होता है आपका लिक्विड होता है, द्रव होता है। द्रव में आप क्या कर रहे हो, पेंट के लिए जो डाई होती है ना, रंजक, रंजक के कणों को मिक्स कर रहे हो। पेंट बनता कैसे, डाई या रंजक होगा, अलग अलग कलर के पेंट होते हैं ना, लाल पीला नीला हरा। तो जो डाई होती है रंजक होता है ठोस रूप में, उस ठोस को आप क्या कर रहे हो, उस माध्यम में विलायक में मिक्स कर रहे हो, ठीक है, परिक्षेपण माध्यम में मिला रहे हो उस अवस्था को, तब जाके आपको पेंट मिल रहा है, ठीक है। ठोस का द्रव में मिश्रण पेंट कहलाता है या सोल कहलाता है। कोलाइडी विलियन है तो हुआ, कोलाइडी विलियन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल पेंट है। पेंट गाढ़ा होता है ना, कण पेंट के अंदर ही उपस्थित होते हैं, आप पेंट के आर पार देख नहीं सकते। कोलाइडी विलियन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल पेंट भी ले सकते हैं अपन। बात समझ में आ गई सभी को। उसके बाद आते हैं अपन जब ठोस गैस में मिक्स हो रहा है। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपका परिक्षेपण माध्यम या विलायक आपका गैस होगा तो आपका जो सिस्टम होगा ना, ये विलियन का प्रकार जो कहलाएगा वो हमेशा एरोसोल होगा। अगर गैस में ठोस मिले तो भी एरोसोल, अगर गैस में द्रव मिले तो भी एरोसोल। बात समझ में आ गई, गैस मतलब ज़्यादा है ना, माध्यम ज़्यादा होता है, परिक्षेपण माध्यम की क्या हो गई, मात्रा ज़्यादा है, तो ज़्यादा गैस में थोड़ा सा ठोस मिल रहा है। बात समझ में आई बच्चों, परिक्षिप्त अवस्था जो होती है वो थोड़ी सी होगी, विलेय है वो, और ये विलायक जो है वो ज़्यादा मात्रा होगी, परिक्षेपण माध्यम है वो। बात समझ में आ गई, तो ज़्यादा में ज़्यादा ठोस में थोड़ा सा, सॉरी ज़्यादा गैस में थोड़ा सा ठोस मिल रहा है, क्या मिला आपको, एरोसोल मिला। जैसे कि धुआं, धुआं असल में होता क्या है, ठोस के कण हवा में मिल जाते हैं। धुआं एक तरह से आपने देखा है फैक्ट्रियों से काला धुआं निकलता है बच्चों, काला धुआं कैसे निकलता है आप घरों में देखना। घरों में एग्जांपल अगर बच्चों आप देखोगे तो आप दीपक जलाते हो, दिया जलाओगे, ठीक है, दिया जलाओगे तो क्या होगा, कुछ समय बाद है ना काला काला धुआं निकलता है बाहर। दिया क्या कहते हैं अपन, जैसे माता के दिन आते हैं, नवरात्र आते हैं बच्चों, नवरात्रों में हम लोग वो चलाते हैं, धूप वगैरह जलाते हैं। धूप वगैरह जलाने से ब्लैक ब्लैक कलर का आपने देखा होगा पदार्थ निकलता है, काला धुआं, काला पदार्थ जल के ऊपर की तरफ उड़ने लगता है वो एयर में। अगर आपने देखा हो तो काला काला हिस्सा जो होता है बच्चों असल में कार्बन होता है, जो धूप में या अपन धूप में जो सामग्री काम में लेते हैं ना, अलग अलग कपूर डालते हैं और भी चीज़ें डालते हैं बच्चों जलाने के लिए, कभी देखना हवन सामग्री, कभी घर में हवन भी होता है ना तो ब्लैक कलर का धुआं इकट्ठा होता जाता है घर के अंदर। क्यों, क्योंकि जो भी आपने वुड लकड़ी काम में ली, ठीक है, लकड़ी काम में लेते हो, घी काम में लेते हो, यही तो लेते हो, लकड़ी का ही सारा सामान होता है वो, लकड़ी को आपने घी डाल के बच्चों जलाया तो लकड़ी क्या होगी, कार्बन में बदलेगी। लकड़ी को कभी भी जलाओगे बच्चों कार्बन मिलेगा आपको, कार्बन जो होता है वो ठोस रूप में काले कलर के रूप में धुएं के रूप में उड़ता जाता है, ठीक है। काला कलर का जो पार्टिकल है, कण है, वो हल्का सा तो है, हल्का ऊपर की तरफ उड़ के जा रहा है, तो धुआं असल में क्या होता है, जो कण वो काले कलर का है बच्चों वो ठोस है, और वो किसकी वजह से उड़ रहा है, हवा की वजह से जो उस रूम में उस कमरे में उपस्थित है। तो हवा में क्या मिल रहा है बच्चों, कार्बन का कण। जब कार्बन के कण हवा में मिल रहे हैं तो किसको बनाते हैं, धुएं को बनाते हैं। और जो बाहर हम धुआं देखते हैं, इंजन से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, वो सारा क्या होता है, काले कलर का दिखेगा। अगर आप धुएं का परीक्षण करो तो क्या होगा, कार्बन का रूप जो उसके अंदर उपस्थित है, कार्बन कणों के रूप में है जो कि धुएं के साथ गैस के साथ मिक्स होकर क्या बना रहा है बच्चों, एरोसोल बना रहा है। एग्जाम्पल हमने देख लिया धुएं का, क्लियर है सबको। हाँ
जली हुई लकड़ी पे पानी डालते हो, जली हुई लकड़ी पे पानी डालोगे तो धुआं निकलेगा, लेकिन वाइट निकलेगा, वाइट फ्यूम्स निकलती है, सफ़ेद धुआं। सफ़ेद धुएं का मतलब क्या हुआ? एनर्जी निकल रही है बाहर। मेथेनॉल नहीं, नहीं नहीं, वो तो वाटर वेपर हुआ, जली हुई लकड़ी है ना। बच्चों क्या होता है, देखो लकड़ी में अगर अपन देखें ना तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों कंटेंट होते हैं लकड़ी के अंदर, क्योंकि वो क्या है, लिविंग है, सजीव चीज़ है। जैसे अपन लोग है ना, अपनी बॉडी में आपको कार्बन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपन लेते हैं, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ठीक है, लेकिन उपस्थित तो होती है लेकिन कम मात्रा होगी। हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं तो उनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये चीज़ें होंगी मेन मेन, ठीक है। अगर आप लकड़ी को जलाते हो तो लकड़ी क्या होगी, कार्बन निकलेगा CO2 के रूप में, हाइड्रोजन निकलेगा पानी के रूप में, पानी भी कैसे, भाप के रूप में, भाप के रूप में उड़ता जाता है, जिसे लकड़ी जलती जाती है वैसे पानी भाप, हाइड्रोजन पानी के रूप में, भाप के रूप में बाहर निकल जाता है, कार्बन CO2 के रूप में। क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्बन, लकड़ी को आप जला रहे हो तो हवा में जला रहे हो। बच्चों आप कभी भी लकड़ी को अगर कोशिश करो कि ऐसी जगह पे जलाओ जहाँ पे हवा उपस्थित नहीं है तो लकड़ी जलेगी नहीं, कभी नहीं जलती। अपन कहते हैं ना कोयला बना, कैसे बना, लकड़ियाँ ज़मीन में दबती गई, और ज़मीन में दबने के बाद जब हवा उपस्थित नहीं थी, ज़मीन की गहराइयों में हवा उपस्थित नहीं होती बच्चों, तो बहुत सालों से लकड़ियाँ हुई, किसी के शरीर हुए, वो मिट्टी में दबते चले जाते हैं, जीवाश्म बन जाते हैं, और वही जीवाश्म आगे चल के कोयले में बदल जाते हैं, क्योंकि रासायनिक ताप और दाब उनके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन होती तो जल के ख़त्म हो जाते, बिना ऑक्सीजन के जले नहीं, लेकिन दूसरी ठोस चीज़ में, कार्बन की ठोस चीज़ों में बदल गए। कोयला असल में क्या है, कार्बन का ठोस रूप है, ठोस रूप में हमें कार्बन नहीं मिल रहा है, कार्बन ही उसमें होता है, मैक्सिमम अधिकतम मात्रा कार्बन की होती है बच्चों, ये बात समझ में आई। तो लकड़ी जलाते हो ना, लकड़ी में क्या होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, लेकिन वो मीथेनॉल वाली बात नहीं है, उसके अंदर जब आप पानी डालते हो ना, सीधी सी बात है, गर्म चीज़ कोई वस्तु है उस पर पानी डाला तो वाटर वेपर के रूप में बाहर निकलेगा, मतलब एनर्जी निकली बाहर, वो चीज़ को हमने गर्म चीज़ को ठंडा किया तो एनर्जी बाहर निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, है ना। और भी कुछ होगा इससे रिलेटेड, मैं वो अलग से बता दूंगी, है ना, क्या होता है। यहाँ तक समझ में आया, कहाँ पहुँच गए हम लोग, कार्बन हाइड्रोजन तक पहुँच गए थे, जलने तक, कम्बशन दहन पे पहुँच गए थे हम लोग, ठीक है। अच्छा, अपन एरोसोल की बात कर रहे थे, ठोस गैस में मिला, एरोसोल बना, धुआं बन गया, ठीक है, धुआं भी उससे रिलेटेड ही है लकड़ी जलाने पर, ठीक है। अब द्रव को ठोस में मिला रहे हो बच्चों, द्रव कम है, अपन अभी तक क्या कह रहे थे कि यहाँ पे ठोस में जब द्रव मिला रहे थे तब क्या था, ठोस कम था और द्रव ज़्यादा था, मतलब जैसे अपन पानी में नमक मिला रहे हैं, ठीक है, ये तो कोलाइड ही नहीं होगा, लेकिन कुछ और बोल देते हैं, पानी में आटा मिला लिया आपने, तो आटा थोड़ा लिया, पानी ज़्यादा लिया, है ना, तभी तो पेस्ट बना उसका। लेकिन अब अपन कह रहे हैं बच्चों द्रव कम है और ठोस ज़्यादा है, ठोस में अपन द्रव मिलाते हैं तो क्या बनाते हैं, जेल जैसी संरचना बनती है, जिसको अपन जेली कहते हैं, घर में खाते हैं ना, टॉफ़ी बनाई जाती है, जेली जैसी बनाई जाती है, मार्केट में मिलती है जेली वाली टॉफ़ी। असल में होता क्या है बच्चों, उसके अंदर ठोस में, ठोस पाउडर जो होता है ना उसका, उसमें थोड़ा सा मात्रा द्रव की मिला के जेल जैसी संरचना बना ली जाती है, जिसमें ठोस ज़्यादा है लेकिन द्रव कम है, ठीक है। जिलेटिन आता है एक तरह का, जिलेटिन पदार्थ होता है, जिलेटिन पाउडर होता है बच्चों, नेट पे उसके बारे में बहुत बताते हैं, आप वीडियो देखोगे ना उसमें बताएंगे कि जेल जो है, मैं बता रही थी, जिलेटिन जो है वो पाउडर रूप में होगा, उस पाउडर में आप थोड़ा सा पानी मिक्स करते ही जेली जैसी संरचना बन जाएगी, बात समझ में आई। जेली आपने देखी है, जो कि अपन कह सकते हैं अर्ध ठोस रूप होता है, द्रव नहीं होता, वो अर्ध ठोस होता है, ठीक है। तो जेली जैसी संरचना बन गई जब आपने क्या करा, द्रव को ठोस में मिक्स किया, तो आपको जेल मिला, जेल अपन एग्जांपल जेली देख लिया, जेल अपन बालों में लगाने वाला भी तो काम में लेते हैं, वो भी असल में इसी का एग्जांपल है। जेल में क्या हुआ, थोड़ा सा द्रव ठोस में मिलाया, ठीक है, जो भी केमिकल उसमें काम में लिए उन केमिकल में आपने पानी मिला के जेल जैसा बना दिया, जो जेल कई जगह पे काम में आता है, ठीक है। पेट्रोलियम जेली, वो भी आप कहते हो पाउडर जो है वो आपको किसमें मिक्स किया, आपने विलायक में घोला है। जेली जो होती है ना, जेली सॉरी पेट्रोलियम जेली जो अपन कहते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम जेली वो अपन घर में काम में लेते हैं। वैसलीन, वैसलीन भी होती है, वो लिक्विड वाला पार्ट होता है, ठोस जो होता है वो लिक्विड में मिक्स हुआ हुआ होता है, ठीक है। एक ग्रीस आती है बच्चों, ग्रीस देखिए, ग्रीस कई जगह पे काम में आती है, वो भी एक तरह से क्या होता है, द्रव ठोस में मिक्स किया हुआ होता है, ठोस मतलब पाउडर जैसा आप बोलोगे हिस्सा है, जिसमें थोड़ा सा द्रव मिक्स किया और आपको क्या मिला, जेल वाली संरचना मिल गई, बात समझ में आई। इसका एग्जाम्पल अपन ने जेली से ले लिया, और भी जेल बता दिए, दूसरे अलग अलग तरह के जेल होते हैं। उसके बाद अपन बताते हैं द्रव का द्रव में मिश्रण,
जब आप द्रव को द्रव में मिक्स करोगे तो क्या मिलेगा? इमल्शन मिलेगा। अभी इमल्शन की बात हो रही थी पहले, तो इमल्शन यहाँ पे आ गया बच्चों। जब द्रव को द्रव में मिक्स करोगे तो इमल्शन बनेगा, जैसे पानी में आप ऑयल मिला दो, ठीक है, वो भी एक तरह का इमल्शन हो गया, क्योंकि द्रव को द्रव में मिक्स कर रहे हो, ठीक है। और मिक्स होनी हो वो किस पे निर्भर करता है कि आप किस सिस्टम की बात कर रहे हो। कोलाइटी की बात करोगे तो मिक्स होगा ही नहीं, पानी में कभी भी ऑयल मिक्स नहीं होता बच्चों, है ना, नहीं होता, तभी नहीं होता, नहीं 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 होता। अगर बच्चों पानी में भी, पानी और ऑयल को आप मिक्स करोगे ना, उसको कितनी देर तक रगड़ते रहो तो भी पानी और कभी भी ऑयल मिक्स नहीं होता, नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होता ये चीज़ सोचो ना, पानी और दूसरा अपन ने बोला था कि अपन ऑयल और पानी को मिक्स करें, कभी भी दोनों आपस में मिक्स नहीं होते। क्यों नहीं होते बच्चों? क्योंकि एक है बच्चों आपका ध्रुवीय और एक अध्रुवीय है, पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। और जो ऑयल बना हुआ है वो हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, और जो आपका पानी है, पानी में वाटर मॉलिक्यूल एच और OH है, हाइड्रोजन बंद है वहाँ पे, वहाँ पे नहीं है। अब एक चीज़ मुझे बताओ, हाइड्रोकार्बन से है बच्चों, अपन कहते हैं जैसे बेंजीन है, बेंजीन होती है वो पानी में घुलती नहीं है, बेंजीन को आप डालोगे ना बच्चों पानी में नहीं घुलती वो। क्लोरोफॉर्म है, पानी में नहीं घुलता वो। क्लोरोफॉर्म हुआ, बेंजीन हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, ये सब पानी में नहीं घुलते, क्योंकि कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं ये, कार्बनिक, आप कहोगे कार्बनिक यौगिक हैं जो पानी में नहीं घुलते, क्योंकि पानी ध्रुवीय है और ये अध्रुवीय पदार्थ हैं। क्या अल्कोहल पानी में घुल जाता है? घुल जाता है। क्यों घुलता है? क्योंकि वहाँ पे OH ग्रुप है बच्चों, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई तो घुलेगा। बात समझ में आई? अल्कोहल कार्बनिक यौगिक होते हुए भी पानी में घुलता है, क्योंकि सिर्फ अल्कोहल में ही हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, तो जिसमें हाइड्रोजन बंद बनेगा वो पानी में घुलेगा, बाकी चीज़ें पानी में नहीं घुलेंगी। और हाइड्रोजन बंद इनमें नहीं पाया जाता, कार्बनिक यौगिकों में, ठीक है। जैसे ऑयल भी आपका हाइड्रोकार्बन है बच्चों, हाइड्रोकार्बन कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ, इसलिए पानी के साथ मिक्स नहीं होता, तो वो एक इमल्शन संरचना बना लेता है। तो अपन कह रहे हैं द्रव का द्रव में मिश्रण इमल्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल दूध है, दूध भी ऐसा ही है, दूध में वसा के कण हैं, वो आपस में क्या है, मिक्स तोड़ना हो रहे हैं, तभी तो अपन ने उसको कोलाइडी विलयन बोला है। इमल्शन भी आपको कोलाइडी विलयन का ही प्रकार है, क्योंकि इमल्शन में क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें मिक्स नहीं हो रही, मिक्स हो जाती तो समांगी हो जाती, समांगी होती तो वास्तविक हो जाती। बात समझ में आ गई? अब देखो आपका द्रव गैस में, अगर गैस में थोड़ी सी भी द्रव की मात्रा होगी बच्चों, वही चीज़ बनाएगा, एरोसोल बनाएगा। हमने पहले भी कहा था परिक्षेपण माध्यम अगर हमारा गैस होता है तो वो क्या बनाता है बच्चों? एरोसोल बनाता है। इसका एग्जांपल अपने कोहरा ले लिया। कोहरा कब आता है? ठंड के दिनों में, जब आपकी नमी होती है, मॉइस्चर होता है, हम कहते हैं ना नमी, वाष्प की बूंदें, जब वाष्प की बूंदें हवा से मिल जाती हैं, तो वाष्प की बूंदें मतलब थोड़ी सी मात्रा, हवा मतलब बहुत सारी मात्रा, हवा में जब वाष्प की बूंदें मिल जाती है तो कोहरा बन जाता है, उसको एरोसोल कहा जाता है, और वो मिश्रण आपका कोहरा कहलाता है। धुआं और कोहरे में अलग अलग अंतर है, कोहरे में पानी की बूंदें हैं लेकिन धुएं में ठोस की बूंदें हैं, ठोस हैं, ठोस की बूंदें नहीं, ठोस के कण हैं। बात समझ में आई? एक साथ बोलते जा रहे तो वो कन्फ्यूजन हो जाता है। ठोस के कण हैं हवा में तो वो क्या कहलाएगा? धुआं। द्रव के कण हैं हवा में तो वो कहलाएगा बच्चों? कोहरा। बात समझ में आ गई ये चीज़? ठीक है, तो यहाँ पे कोहरा आ गया, अपना एरोसोल ही हुआ लेकिन सिस्टम तो है ना। अब देखो बच्चों, गैस जब ठोस में मिल रही है, गैस की थोड़ी सी मात्रा अगर ठोस में मिल जाती है तो आपका झाग जो बनता है, लेकिन ठोस टाइप का झाग बनेगा, जिसको हम सॉलिड फॉर्म कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में ठोस झाग बोलेंगे। ठोस झाग होने का मतलब कि झाग कैसा होता है? गैसीय होता है, गैसीय बोलोगे, द्रवीय बोलोगे, लेकिन ये वाला झाग कैसा है? ठोस प्रकार का झाग है। इसका एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे बच्चों, प्यूमिक स्टोन। एक पत्थर आपने देखा होगा जिससे आप घर में हाथ पैर साफ करते हो, पैरों की सफाई के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं बच्चों? एक पत्थर काम में लेते हैं जिसको प्यूमिक स्टोन कहा जाता है। वो ऐसा पत्थर होगा जिसके ऊपर आपको क्या मिलेंगे? छिद्रित संरचना मिलेगी, ऐसा लगेगा झाग जो है वो ठोस बन चुका है। अगर आप उसको ध्यान से देखो तो आपको लगेगा झाग जो है उसने ठोस का रूप ले लिया है, क्योंकि झाग में क्या होता है? छिद्र संरचना होती है, तो पत्थर में भी छिद्रित संरचना होती है, उठाने में भी हल्का होता है, लाइट वेट होता है, क्योंकि छिद्रित संरचना है बच्चों, वो तो हल्का होगा वो। और वो किसका एग्जांपल है? जब आपने क्या किया, गैस को ठोस में मिला दिया, ठोस में गैस मिला दोगे तो गैस जहाँ जहाँ से निकलेगी वहाँ छेद रह जाएंगे, और वो जो संरचना मिलेगी आपको ठोस झाग मिलेगा। बात समझ में आ गई?
इसका एग्जांपल अपन ने प्यूमिक स्टोन ले लिया, हाथ पैर की सफाई करने वाला पत्थर, ठीक है। अब लास्ट वाला है अपना, जब गैस द्रव में मिलाओगे, जब गैस द्रव में मिलेगी तो क्या होता है, द्रव में मिक्स होने के बाद गैस बाहर निकलेगी तो छेद बन जाएंगे, वो छेद यहाँ पे झाग हो गया, जैसे शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम जब शेव करने के लिए काम में लेते हैं बच्चों तो उसमें बहुत सारा झाग बनता है, एक तरह से द्रव ही तो है, द्रव में क्या किया आपने गैस मिक्स कर दी तो शेविंग क्रीम बन गई और उसको अपन ने झाग के सिस्टम में बताया। तो बच्चों ये सारा अपन ने आज जो पढ़ा वो कुलाइदी के प्रकार पढ़े कि परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर ये आपको कितने प्रकार के कुलाइदी सिस्टम मिलते हैं। तो आपको याद करना है 8 प्रकार के कुलाइदी विलयन होते हैं, यहाँ मैंने अलग अलग कलर से लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए बच्चों, ठीक है। तो ये कुलाइदी विलयन के प्रकार बता दिए, कितने प्रकार के हो सकते हैं, उदाहरण के द्वारा हमने इसको समझ लिया। क्लियर है बच्चों, इतना पॉइंट क्लियर है। अब अपन कुलाइदी विलयन का, कुलाइदी का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि कुलाइदी विलयन का या कुलाइदी सिस्टम का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, वो अपन अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक जो पढ़ लिया बच्चों अपने कुलाइदी विलयन के बारे में पढ़ लिया, समझ में आ गया। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू क्लास। अब आगे वाला हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।